नोटबंदी के बाद से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई काफी चर्चा में है। वहीं अब आरबीआई के कर्मचारियों ने नोटबंदी के बाद हो रहे घटनाक्रमों को लेकर गवर्नर उर्जित पटेल को पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है। कर्मचारियों ने पत्र में नोटबंदी की प्रक्रिया के संचालन में कुप्रबंधन और सरकार की ओर से करेंसी जमा करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को चोट पहुँचाने का विरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि इस कुप्रबंधन से आरबीआई की छवि और स्वायत्तता को काफी नुकसान पहुंचा है। उर्जित पटेल को लिखे गए इस पत्र में यूनाइटेड फोरम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज की ओर से कहा गया है कि रिजर्व बैंक की दक्षता और स्वतंत्रता वाली छवि उसके कर्मचारियों के दशकों की मेहनत से बनी थी, लेकिन इसे एक झटके में ही खत्म कर दिया गया। यह काफी दुख का विषय है। आपको बता दें कि आरबीआई के कर्मचारियों से पहले ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन ने भी नोटबंदी के फैसले को तंग और तबाह करने वाला फैसला करार दिया था और साथ ही उर्जित पटेल के इस्तीफे की मांग की थी। तो अब आरबीआई की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और वित्त मंत्रालय के दखल को फौरन हटाने के लिए एसोसिएशन ने आरबीआई गवर्नर से तत्काल फैसला लेने की अपील की है। अब देखना होगा कि कर्मचारियों के इस खत का क्या असर होता है। देखते रहिए डीबी लाइव।